अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हान विलाग। उम्मीद है कि आप सब हैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे MBBS और CA और SCCA। देखिए, ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल MDCAT के लिए अपीयर हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो MDCAT का सीट सिक्योर नहीं किया, मतलब MBBS में सीट नहीं बनाया। तो बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, हर स्टूडेंट्स का शौक होता है, मतलब पेरेंट्स का शौक होता है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन हम उसको मतलब बेसिकली हमको कुछ नहीं पता कि डॉक्टर और CA में क्या डिफरेंस है। हम बस सिर्फ सोसाइटी को फॉलो करते हैं। अगर मैं रिसर्च के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू कहूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक CA और दूसरा MBBS कितना अर्निंग करता है, कितना चार्जेस, इसके पैकेजेस, इसके इंसेंटिव्स, मतलब क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एक CA जिसका मतलब एक्सपीरियंस हो, 10 ईयर एक्सपीरियंस हो, और दूसरा MBBS डॉक्टर जिसका 10 ईयर एक्सपीरियंस हो। फर्स्ट हम बात करेंगे CA। CA आपने CA की मतलब सारे पेपर्स पास किए, और मैं सिर्फ CA की बात नहीं करता, मैं SCCA की भी बात करूँगा ना। आप मतलब या SCCA हो या CA हो, आपने कंप्लीट किया और आप 10 ईयर एक्सपीरियंस हैं, तो आपने एडिट फॉर्म खोला और आप मंथली मेरे ख्याल से आप अपने क्लाइंट से और अपने कंपनी से 1 मिलियन तक चार्ज कर सकते हो। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं एक्सपीरियंस और मैं जितने भी मैंने रिसर्च किया। तो अगर आपका एडिट फॉर्म है तो आप क्लाइंट से 1 मिलियन तक मतलब करोड़ तक आप एक चार्ज करते हो, क्योंकि ये लोग आप क्या करते हो CA में, आप मतलब बिजनेस डील करते हो, कंसल्टेंसी मतलब बिजनेस कंपनी, और MBBS में आप हॉस्पिटल में पेशेंट को डील करते हो। तो ये डिफरेंस है। बाकी अर्निंग की बात करो, मैं ये नहीं कह मतलब ये मैं नहीं करता कि आप कहना चाहता कि MBBS पैसे नहीं बनाता, वो नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मैं पहले CA की बात करूँगा फिर MBBS की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे साथ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस 3-4 साल ज़्यादा करते हैं MBBS पे, और इसको करियर काउंसलिंग नहीं होता, उसको प्रॉपर मतलब गाइड नहीं करता कोई, मतलब कोई भी उसको प्रॉपर गाइड नहीं करता कि यार MBBS नहीं है, बहुत सी फील्ड है ज़्यादा। आप CA को देखो, SCCA को देखो, बहुत सी ज़्यादा फील्ड है, मतलब CSS है, PMS है, ज़्यादा मतलब सिर्फ MBBS नहीं है। तो वो बंदे क्या करते हैं, 3-4 साल ज़्यादा करते हैं। अभी मैंने आपको एक फ्रेंड नहीं था लेकिन मेरा रूममेट्स था, मैं सच बोल रहा हूँ कि वो इसका एज अगर देखे, उसका आई थिंक 28 एज है, और वो उसने 4 दफ़ा आई थिंक MDCAT फेल किया। अभी वो SCCA ज्वाइन करता है, FA1 पेपर से स्टार्ट किया उसने, तो उसने 4 साल ज़ाया किया MBBS के मतलब MBBS पर। तो ये बहुत बुरी बात है, सिर्फ MBBS नहीं, ये बहुत से फील्ड है। तो बात ये ना कि SCCA को लोग प्रॉपर मतलब तवज्जो नहीं देते। अभी मेरे ख्याल से 125,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे MDCAT में, उसमें तकरीबन 40,000 आई थिंक पास हुए, 20,000 पास हुए। तो ये बाकी क्या करते हैं, बाकी चले जाते हैं फिर रिपीट करते, तो उसको प्रॉपर गाइड नहीं करते। और CA में सिर्फ 20,000-30,000 लोग आते हैं, मतलब पेपर पास करते। तो देखिए, बात ये ना कि मैं अगर बात करूँ कि एक CA जिसके या SCCA जिसका एक्सपीरियंस हो वो मंथली कितना चार्ज करता है, आप अगर मतलब ये सारा एक्सपीरियंस के मतलब डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप मतलब प्रॉपर बहुत अच्छी खासा अर्निंग मतलब कर सकते हो, कंपनी से भी अपना प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, डीलिंग अपने क्लाइंट्स और अपना एडिट फॉर्म भी खोल सकते हो। अगर आपने अपना आपका एडिट फॉर्म है तो आप कंपनी से भी चार्ज कर सकते हो, तकरीबन बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो CA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और दूसरी तरफ अगर हम MBBS की तरफ देखें तो MBBS भी सही है, अर्निंग करता है। अगर आप एक सर्जन हो या मतलब ऑर्थोपेडी को जितना मतलब आपका एक्सपीरियंस है, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो। लेकिन मैं जो बात करूँगा बेसिकली कंपैरिजन, कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS ज़रा मतलब अर्निंग कर सकते हैं, नहीं, इसका मतलब आपको गलतफहमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अर्निंग कर सकता है, ये भी जहन में रख ले। लेकिन बात यह है ना कि मेहनत MBBS में भी है, चार्टर अकाउंटेंट में है, लेकिन मेरे ख्याल में चार्टर अकाउंटेंट में ज़्यादा मतलब मेहनत थोड़ा लिटिल बिट ज़्यादा है। तो ये हुई बात, मैं आपको ये एज एडवाइस देता हूँ कि चलो आपका ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ, बन गए,
गुडविल, लेकिन अगर आप फेल हुए तो फिर ये पीटर ये साल जाया मत करो, मतलब डायरेक्ट आईसी फील्ड को चूज करो ताकि आपका लाइफ बन जाए। सीए को ज्वाइन करो, एसीसीए को ज्वाइन करो, सीएसएस, पीएमएस, बहुत सी ज़्यादा फील्ड है। तो ये बुरी बात है ना कि 4-3 साल आप एक मेमोरी कार्ड के थ्रू ज़्यादा करते हो अगर लास्ट में आप फेल भी हो जाते हो। तो इससे क्या होता है, इससे बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। तो बात ये ना कि बाकी तो आप सब समझदार हो, लेकिन मेरा जो मतलब इन्फॉर्मेशन था कि आपके जो हालत फेमी है, मिसकंसेप्शन है, उसको मतलब क्लियर करो कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस ज़्यादा कमाता है, सीए, चार्टर अकाउंटेंट्स, एसीसीएन वो बहुत ज़्यादा कमा सकता है। तो सिर्फ ये डिफरेंस है एसीसीए और सीए में कि एसीसीए में आपको ज़्यादा प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री देते हैं और सीए में आपको पाकिस्तान जो मतलब मिडल ईस्ट का कंट्री, इसको आपको अहमियत देते हैं। तो ये हुई बात, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए, सॉरी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।